स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। जिस तरह से आप पिछले लेक्चर्स में भी आपने देखा था कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो हमने जो जैसे हमने पढ़ी हुई है कि हमारे पास कुछ होती हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस और कुछ हमारे पास होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये वो फोर्सेज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में और पिछले टॉपिक्स में देखी हैं, आज हम देखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होती हैं और इनकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर थोड़ा सा इस चीज़ को एक डायग्राम के जरिए देखें कि मैंने एक मैग्नेट ले लिया और मैग्नेट जो है, क्योंकि उसको हमने देखा है कि उसके पास जो हैं दो पोल्स होते हैं, यानी कि मैग्नेट जो है हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई मोनोपोल नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रिक जो होती हैं उसमें हमारे पास दो पोल्स होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि मोनो का मतलब होता है वन और डाय का मतलब होता है टू। इसलिए यहाँ जो है हम मैग्नेट के बारे में कहते हैं कि वो हमेशा डायपोल है, यानी कि उसके दो पोल्स हमेशा साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो कभी भी सिंगल नहीं एग्जिस्ट कर सकता, यानी कि कभी आपको नॉर्थ पोल अलग नहीं नजर आ सकता। तो इसके अगर हम देखें तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होती है, जिस तरह हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में कैसे होते हैं पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव होती है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में देखें तो वो हमेशा नॉर्थ टुवर्ड द साउथ होती है, यानी कि नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो निकल के जो है वो साउथ पोल की तरफ जाके एंड अप होती हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये पूरा एक पैटर्न बनाती हैं जो कि हमें यहाँ इस फिगर में बहुत आसानी से समझ आ रहा है कि ये यहाँ नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ एंड अप हो रही है। अगर हम देखें तो एंड्स ऑफ द पोल पे, यानी कि एंड्स जो है इसके, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कंसंट्रेशन है, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हैं, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसका मतलब है कि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की जो तादाद, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी एंड्स पे एज कम्पेयर टू कि यहाँ सेंटर पे, क्योंकि यहाँ सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो बहुत दूर दूर लाया करती हैं, सही। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो, अगर एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम इसको देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं एक मैंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक स्टैंड ले लिया और उसके जरिए एक थ्रेड के जरिए मैंने एक पेपर के स्ट्रिप के अंदर एक बार मैग्नेट जो है वो रख दिया, ठीक है। अब उसके भी इसी तरह जो है वो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है हमारे पास मैग्नेट का। अब अगर मैं उसके करीब जो है एक मैग्नेट, एक और मैग्नेट लेकर आती हूँ जो कि मैं यहाँ बना रही हूँ, अगर मैं उसका नॉर्थ और साउथ पोल, उसी तरह उसके भी हमारे पास जो है वो कोई एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, जिसे मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ शो करना चाहती हूँ कि मैं रेड कलर से शो कर देती हूँ और ये जो है, और इसको जो है मैं ब्लू कलर से शो कर दूंगी, सही। अब ये जो है ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल बन गया और एक साउथ पोल बन गया। अब अगर इस, मतलब कि इस मैग्नेट को मैं जब उसके करीब लेके जाऊंगी, यानी कि इस वाले मैग्नेट के करीब लेके जाऊंगी, तो क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है उनके दरमियान क्या होगी, एक रिपल्जन होगी, यानी कि वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। लेकिन जब साउथ पोल मैं नॉर्थ पोल के करीब लेके जाऊंगी तो क्या होगा कि इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो फोर्सेज हैं, यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्जन की, ये इनको हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्सेज हैं। और ये, यानी कि ये दो मैग्नेट्स के दरमियान भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और दूसरे अलॉयज जो होते हैं, यानी कि जिस तरह आयरन है हमारे पास, लोहे की जितनी भी चीज़ें हैं उनके दरमियान भी जो है मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है। हमें पता है कि वो जो है वो आयरन की चीज़ों को जो है वो बहुत अपनी तरफ जो है वो खींचता है। इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि ये जो फोर्सेज हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज। अब अगर हम देखें कि अगर मैंने यहाँ जिस तरह से इसको शो किया है, यानी कि अगर इस ये वाला मैग्नेट जो हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, अगर मैं इसको एक को वन का नाम दे दूं, ये वन मैग्नेट वन है और ये मैग्नेट टू है, मैग्नेट वन और मैग्नेट टू के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस को बयान करूं, यानी कि डिस्टेंस देखूं, तो ये जो है बेसिकली डिस्टेंस है जिसे मैं कहती हूँ कि आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर से मैंने उसे डिनोट कर दिया है। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा ये दूर दो मैग्नेट्स पड़ेंगे उतनी जो है वो कम उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी, और जितने ये मैग्नेट्स आपस में करीब आ जाएंगे उतनी ज्यादा वो फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। जिससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि अगर मैं एम
एम मैग्नेटिक फोर्स को एम और स्मॉल मतलब कि उसके सबस्क्रिप्ट में मैंने एफ लिख दिया है, उसको देखूँ तो वो मैं देखती हूँ कि वो इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दो मैग्नेट्स के दरमियान या दो आयरन पीस, एक मैग्नेट और एक आयरन पीस भी हो सकता है, यहाँ मैं आयरन भी ले सकती हूँ, ठीक है, आयरन का पीस भी ले सकती हूँ, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे होगा, यानी कि अगर केयरफुल ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि अगर जो स्क्वेयर यानी कि स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस का क्या मतलब है कि दो दफा अगर मैं डिस्टेंस दो टू टाइम्स, यानी कि स्क्वेयर का क्या मतलब है कि मतलब कि उसको आर स्क्वेयर यानी कि उसका डबल टाइम डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है मैग्नेटिक फोर्स के, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास उनके दरमियान डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम उनके दरमियान मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा यानी कि बहुत करीब करीब अगर लाए करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन को देख सकेंगे। अब यहाँ जहाँ तक ये बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, यानी कि इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान के डिस्टेंस यानी कि आर पे डिपेंडेंट है, और जो सेकंड चीज़ है यानी कि सेकंड चीज़ जिस पे वो डिपेंडेंट है वो हमारे पास होता है कि मैग्नेट की जो है मैग्नेट हमारे पास मैग्नेट कितना पावरफुल है, यानी कि मैग्नेट की कितनी पावर है हमारे पास, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, और वो डिपेंड करता है कि वो आपने जो भी मैग्नेट लिया उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि वो उसके अंदर जो उसकी जो पावर है कि अट्रैक्शन और रिपल्जन की, वो उस पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक पावर कितनी है। और ये जब मैग्नेट्स कुछ नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, कुछ हम मैग्नेट्स जो हैं वो खुद भी बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, या फिर इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिनके जरिए हम मैग्नेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नेटिक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, और आज हमने ये देखा है कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक ये कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट कैसी है, और दूसरा ये कि जो दो आपके पास मैग्नेट्स हैं या फिर मैग्नेट या आयरन है उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, और वो इन्वर्सली रिलेटेड है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।